Hello friends, this is my new video where we shall learn different questions and answers regarding rainy season. In my previous video of rainy season, we learned the different forms of rain. In this video, we shall learn some questions about how we prepare for rain and how we enjoy the rain. Let us start with the verb withdraw. Withdraw means to remove oneself, to draw back. Nikalna, piche lena, wapas lena. He will withdraw his savings from the bank. Wo apni jama punji bank se nikalega. Nowadays, you can withdraw money easily from ATM. Aajkal aap ATM se aasani se paise nikal sakte hain. The party withdrew the undue charges against the leader. Party ne mantri ke virudh jhuta aarop wapas liya. His name will be withdrawn from the list. Uska naam list se nikala jayega. अब कुछ जनरल नॉलेज. जनरल क्लास जिसे पति कहती है उसको मिडिल क्लास और अपर क्लास क्या कहते हैं? पति यानी कि शौहर. यू विल गेट द आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो. नर्ड. नर्ड का मतलब क्या होता है? नर्ड का मतलब है समवन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस और टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इन कंप्यूटर्स. जो साइंस टेक्नोलॉजी और खासकर कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्टेड हो उसे नर्ड कहते हैं. एवरीवन वांट्स to be a computer nerd nowadays. आजकल सभी लोग कंप्यूटर नर्ड्स होना चाहते हैं. रमेश इज ए कंप्यूटर नर्ड. लेट अस कंसल्ट हिम फॉर आवर प्रॉब्लम. रमेश कंप्यूटर नर्ड है, चलो अपनी समस्या उसे बताते हैं. ए नर्ड इज ए पर्सन seen as overly intellectual, obsessive, introverted or lacking social skill. Nerd वो आदमी होता है जो intellectual होता है और उसे computer का बहुत passion होता है पर social skills नहीं होते हैं उसके पास. Introverted यानी कि अंतर्मुखी होता है. आप रेनी सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन. व्हाट इज रेनी सीजन नोन इन इंडिया? वर्षा ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में किस नाम से जाना जाता है? रेनी सीजन इज नोन एज मॉनसून इन इंडिया. वर्षा ऋतु को मॉनसून भी कहा जाता है. व्हाट इज द पीरियड ऑफ मॉनसून इन इंडिया? मानसून की अवधि क्या है? मानसून स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून एंड एंड्स इन सितंबर. मानसून जून से शुरू होकर और सितंबर में अंत होता है.
Why is it an important season in India? Monsoon kyun zaruri hai Bharat mein? It is an important season because about half of the Indian farm output depends on rain. The monsoon also refills the reservoirs, providing drinking water. यह जरूरी मौसम है क्योंकि हमारी करीब आधी फसल इस पर निर्भर होती है और इसी से झीलों में पानी मिलता है जहां से हमें पीने के पानी की आपूर्ति होती है. What will happen if there is no rain? अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? If there is no rain, rivers would dry up, crops would fail, and the trees would die. In other words, there would be no life on earth. अगर बारिश नहीं हुई तो नदियां सूख जाएगी, फसल नहीं हो पाएगी, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे. दूसरे शब्दों में जनजीवन समाप्त हो जाएगा. Do you like rainy season? क्या आपको बरसात का मौसम अच्छा लगता है? Rainy season is my favorite season. I long for it. बरसात का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है. मैं उसका इंतजार करता हूँ. How do children enjoy this season? बच्चे इस मौसम का आनंद कैसे लेते हैं? Children like to get wet in rain. They make paper boats and float in running water. बच्चों को बरसात में भीगना अच्छा लगता है. वे कागज की कश्ती बनाकर पानी में बहाते हैं. How do you prepare for rainy season? आप बरसात की तैयारी कैसे करते हो? I keep my umbrella and rainy shoes ready before rain begins, but I never miss to enjoy the first shower of rain. बरसात आने से पहले मैं अपनी छतरी और बरसाती जूते तैयार रखता हूँ, लेकिन पहली बारिश में भीगना मैं कभी नहीं चूकता हूँ. What happens when there is heavy rain? जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है? When there is heavy rain, the city faces waterlogging. As the result, the transport services are disrupted. But as soon as the rain subsides, life is back on track. जब जोरदार बारिश होती है तो कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है. इससे यातायात अस्त व्यस्त हो जाता है. लेकिन जैसे ही पानी कम होता है तो जनजीवन सामान्य हो जाता है. What do you mean by tip of the iceberg? एक फ्रेज है, टिप ऑफ द आइसबर्ग. टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है दिस इज जस्ट ए लिटिल, यह तो थोड़ा ही है. आइसबर्ग जो होते ही हिमशिला जो समुन्द्र में पाई जाती है, एक चौथाई हिमशिला दिखाई देती है और तीन चौथाई पानी के नीचे होती है. तो वो जो टिप एक चौथाई दिखाई देती है उसको हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं. तो दिस इज जस्ट ए लिटिल, यह तो थोड़ा ही है. देयर इज मच मोर, और भी है बाकी जो दिखाई नहीं दे रहे हैं. मैंने आपसे पूछा था जनरल क्लास जिसे पति कहती है उसे मिडिल क्लास और अपर क्लास क्या कहते हैं. तो मिडिल क्लास उसे हस्बैंड कहते हैं और अपर क्लास हबी. मीट माय हबी, मेरे पति से मिलो. एट द एंड स्मॉल रिडल. व्हाट ग्रोस व्हेन इट ईट्स बट डाइज व्हेन इट ड्रिंक्स. ऐसी क्या चीज है जो खाती है
तो बढ़ती है और पीती है तो मर जाती है। सोचो, द आंसर इज फायर, आग। आग को जब कुछ मिलता है तो वो बढ़ती है, जब उस पर पानी डाला जाता है तो बुझ जाती है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड यू डोंट वांट टू मिस माय कमिंग वीडियोस, सो सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। फॉर मोर डिटेल्स विजिट माई यूट्यूब चैनल एकता स्किल्स एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश नॉलेज। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।